अपने घर में कैसे हो रही थी उस दौरान राहुल जी, क्या आप क्या थिंकिंग थी, आप किस तरह से उस समय आपने क्या कुछ नया आपने? तो मेरे ना हीरो रहे हैं मेरे पिता, उनको मैंने कभी घर में देखा नहीं लॉकडाउन, और मैं 24 जून से काम कर रहा हूँ जो कि हार्ट ऑफ लॉकडाउन। पहला आउटडोर मेरा था पंजाब, 11 दिन के लिए गए थे हम, अमेजोन का कुछ कर रहे थे हम लोग, अभी आया नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगा। फिर उसके बाद पाँच जुलाई को मुझे इंजर हुआ था राइट शोल्डर, अभी भी इंजर्ड ही है। यहाँ पे आई हूँ, सेट पे काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, मुगल्स में तलवार भी चलाई है ऐसे ही कंधे के साथ। तो मेरा ये मानना है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोरोना छोटी चीज़ है, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स ए बिग चेंज इन द वर्ल्ड, इट्स प्रॉब्ली इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन अ चेंज बिगर देन दिस। लाइक व्हेन यू गेट माई मदर्स लाइफ, वो 47 में लाहौर से आई थी इधर, जब इंडिया पाकिस्तान, तो उन्होंने वो एक जेनोसाइड देखा था, तो उनकी लाइफ में शायद वो सबसे बड़ा चेंज आज भी वो मानती हैं, क्योंकि ना घर छोड़ा आदमी ने, एक देखा ट्रेन में आ रही है, वो ट्रेन वैसी फिल्म वाली ट्रेन नहीं है जिसमें डेड बॉडीज हैं, वो रियल ट्रेन है। तो एक 8 या 7 साल की बच्ची को कैसा लगा होगा, उसके पिता भी हैं, 2 बच्चियाँ और हैं, उनकी सिस्टर्स, उनकी माता हैं, कैसी एक इनसिक्योरिटी भावना होगी, फिर कैसे एक नया शुरुआत हुआ होगा दिल्ली में। तो इट्स ए ह्यूज चेंज। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एक इंसान, आप कहीं भी देखोगे ना, एवोल्यूशन ऑफ मैन में भी देखोगे, या कहीं भी मैं स्कूल भी सोचता हूँ टीचर्स के बारे में, तो मैन ऑलवेज केप्ट ऑन इवॉल्विंग वट एवर बी द सिचुएशन। यू नो, इंसान की फितरत ही है कि इंसान वो जो भी आता है ना, सुनामी हुआ फिर एक नई शुरुआत, ये हुआ तो एक नई शुरुआत, वो इंसान की फितरत ही है कि सर्वाइव करता जाता है, करता रहता है, करता रहता है, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। तो इसका भी यही होगा, कभी ना कभी इसका निकलेगा मूल अर्थ, एक कुछ निकल आएगा, एक कमाल का कोई होगा इंसान वर्ल्ड का, एक ग्रुप होगा जो कहेगा दिस इज़ द आविष्कार, ये लगा लीजिए और अब ठीक हो जाएंगे, नो कोरोना इन द वर्ल्ड, और फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। अभी कॉलरा में कितने लोग जाते थे पहले, स्मॉल बॉक्स में, द ग्रेट राणा अपना महाराज रंजीत सिंह जी, वन आई वॉज मिसिंग ना, उनका काणे थे एक तरफ से और निशान थे उनके पास स्मॉल बॉक्स से, तब स्मॉल बॉक्स से लोग मर जाया करते थे बहुत सारे। तो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ एक ऐसा आता है, अभी हमारे टाइम पे हम कोरोना देख रहे हैं, कल को भगवान ना करें शायद कुछ और देखने को मिले। बट मेन थिंग फॉर मी इज टू कीप ऑन वर्किंग, एंड विद इन दैट थिंग आई थिंक दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, आई थिंक सम काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग इज टू बी रिमेंबर्ड विद इन अ प्रैक्टिकल जोन। अभी मैं तो सेट पे जाऊंगा तो उसमें बता रहा हूँ ना, 24 जून से ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक्शन भी किया उसमें, 8-8 फाइटरों के साथ सीक्वेंसेस भी किए हैं। तो अब ये तो करना मुश्किल होता है कि तुम कहाँ से घर से आ रहे हो, तुम किधर से आ रहे हो, उधर से कौन आ रहा है, कठिन है। तो आई थिंक काम करते जाइए और फिर देखते हैं क्या होता है।